देश 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाने को तैयार है और द्रास सेक्टर के लोग कारगिल युद्ध के गवाह रहे हैं। ऐसे में उनके लिए ये दिन सेना के शौर्य और वीरता की यादों को ताजा करता है। लद्दाख के एंट्री गेट के तौर पर जाने जाने वाला द्रास कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच का सेंटर था। एक्चुअली सिर्फ मुश्कू में ही गोलाबारी नहीं हो गई, पूरे द्रास इलाके में हो गई। द्रास इंडिया गेट से लेकर काक्सर पुल तक ये द्रास कहलाता है। इसमें 19 रेवेन्यू विलेजेस हैं। इसमें से सिर्फ दो या तीन गांव बचे थे जहां गोला नहीं पड़ा, बाकी सारे गांव में गोला पड़े। और फिर ये 13 मई का दिन था 99 को, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया एज नायब तहसीलदार द्रास में, तो उसी दिन गोलाबारी शुरू हो गई। उस वक्त यहाँ द्रास में गोलाबारी हो रहा था तो वहाँ से लोग भाग के मुश्कू आ गए। जब मुश्कू आके एक दो घंटा लग गया तो यहाँ भी शुरू हो गया। फिर वहाँ से वहाँ जो लोग आए थे वो सब फिर वापस चले गए, हम लोग यहीं ठहर गए। फिर उसके बाद गोलाबारी हो गया, दूसरे दिन आधा गांव शिफ्ट हो गया कारगिल की तरफ। द्रास से गुजरने वाला नेशनल हाईवे लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। द्रास की भौगोलिक स्थिति रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पाकिस्तान ज्यादातर हमले इसी इलाके में करता है। जो नेशनल हाईवे जो हमारा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, वो नेशनल हाईवे द्रास के मेन सिटी से होते हुए गुजरता है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बैक पीछे इस वक्त जो ब्रिज है जिसको मरपोछू ब्रिज कहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेटजी यही था कि इस नेशनल हाईवे को जो है रोका जाए, इसको डैमेज किया जाए, ताकि जो है उनकी जो रसद है या बाकी जो भी इम्पोर्टेंट जिसको लाइफ लाइन कहते हैं हमारे लद्दाख के लिए, उसको रोकने की कोशिश थी। यही वजह था कि सबसे ज़्यादा अटैक और सबसे ज़्यादा बमबारी द्रास सेक्टर में होने का यही हुआ, क्योंकि नेशनल हाईवे को रोक के वो और ज्यादा उसका फायदा लेना चाहते थे। 1999 में तकरीबन 2 महीने तक चले युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की शानदार जीत की याद में हर साल कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है।